बड़ी परंपरा अच्छी है सनातन संस्कृति में, हिंदुओं में। कोई महात्मा घर में आते हैं तो हम कोरे कोरे कपड़े बिछा देते हैं उनके चरणों में, उनके साथ में। आज महालक्ष्मी सीता आई हैं अयोध्या में, तो माता सीता के लिए कौशल्या जी ने अपनी साड़ी का पल्लू ही या घी या रूप राजा दशरथ ने कहा था उसमें हृदय में रख लेना। इस पल्लू को बिछाने के लिए दो तीन कथाएं अलग अलग बताई हैं। कौशल्या ने पल्लू क्यों बिछाया? और भी उनके घर में कपड़े होंगे, कोरे से कोरे कपड़े बिछा सकते थे, रेशम की चादरें बिछा सकते थे, पर अपनी ही साड़ी का पदरा लेकर के, आंचल लेकर के क्यों बिछाया? क्योंकि इस आंचल में बहुत कुछ है महिला के। आपने देखा होगा महिला इस आंचल को पकड़ करके नजर निकालती है अपने बच्चे की, इस आंचल से अपनी लाज रखती है, और इसी आंचल की वजह से महाभारत हुआ। इसी आंचल को बढ़ाने के लिए कृष्ण पधारे द्रौपदी के लिए, इस आंचल की इतनी लाज, इतनी इज्जत है। ये कपड़ा कब तक है? तब तक ये दुकान पर है। जब ये स्त्री के ऊपर आ जाता है तो इस कपड़े की इतनी महंगाई, इतनी कीमत हो जाती है, फिर पैसों से इस टुकड़े को कोई खरीद नहीं सकता। कौशल्या ये दिखाना चाहती है, कौशल्या ये बताना चाहती है कि सीता तुम मेरा आंचल हो, तुम मेरा हृदय हो, तुम्हारा बास मेरे हृदय में, और ये जो मेरा लाज का आंचल है ये तुम्हारे चरणों में रख दिया, इसकी लाज रखना। हमारी परंपरा पदरी की है, हम सिर के ऊपर ये आंचल लेते हैं, पल्लू लेते हैं, हम अपने घर के पुरुषों को अपने बाल नहीं दिखाते सिर के। ये परंपरा उत्तम परंपरा है, इससे शुद्धि होती है घर में। अगर महिला घर में रहकर बाल ढकती है तो उसे शुद्ध रहता है घर। बालों का निजी धर्म कुछ नहीं है, ये कहीं भी उखड़ के उड़ते हैं, और बाल कहां जाएगा उड़ के कोई नहीं बता सकता, इसीलिए बाल को ढकना है। पूजा में बैठने के लिए पगड़ी पहनाते हैं, टोपी पहनाते हैं, पूजा में कोई रूमाल बांधते हैं, कोई कुछ करते हैं, क्यों? इसीलिए बाल जब सिर से उतरता है तो अशुद्ध हो जाता है, और बाल अशुद्ध होकर के कहीं पूजा पाठ में, कहीं मंदिर में गिरता है तो अपवित्र लगता है। इसीलिए हमारे यहाँ सनातन में अनेक प्रकार की विधि है बालों की सुरक्षा के लिए। आप सब लोग भी जानते हैं, जब आप किसी शुभ काम के लिए बैठते हैं तो आप ही अपनी तौलिया स्वाफी को यूं डाल लेते हैं। क्यों डालते हैं? केवल बालों के लिए।